रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, बरादरान अज़ीज़, आप इमाम अली बिन तालिब अलैहिस्सलाम की तारीख़ हयात उठा के देखें, उसमें मौलाए कायनात अली बिन तालिब अलैहिस्सलाम के बहुत सारे मोजज़ात मिलेंगे। एक किताब का नाम है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फ़ैसले। उसमें एक वाक़या है कि एक बच्चा है और दो माएँ हैं। दोनों माएँ ये दावा करती हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तभी वो औरत, दोनों औरतें, दोनों लोग मौलाए मुत्तकियान अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दरवाजे के ऊपर पहुँचे, दस्तक दी। तभी मौलाए कायनात गदीर का मामा पहन के जब बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मसला है। तभी वो औरत कहती है कि ये मेरा बेटा है। दूसरी औरत फौरन कहती है, नहीं, ये मेरा बेटा है, आप इसका फैसला कर दें। तभी मौलाए कायनात ने अपने एक सहाबी को हुक्म दिया कि जाओ, जाके मेरी तलवार ले आओ। जैसे ही तलवार लाई गई, तभी मौलाए कायनात ने कहा कि जाके इस बच्चे के दो टुकड़े कर दो। जैसे ही दो टुकड़े करने का नाम सुना, फौरन ही उसमें से एक औरत बेसाख्ता बोली, अरे मेरे मौला, ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, ये पूरा बच्चा जो है ये इस औरत को दे दिया जाए, मुझे ये औलाद नहीं चाहिए। तभी मौलाए कायनात ने कहा कि ये बच्चा या औरत तेरा है, इसलिए ये माँ की दिल की तड़प है कि माँ की मोहब्बत ही इतनी है कि वो अपने बच्चे को इस हालत में नहीं दे सकती, अपने बच्चे को टुकड़े होते हुए नहीं दे सकती। तो हकीकतन इसकी माँ है, ये बच्चा तेरा है और तू यहाँ से ले जा। फ़कत वस्सलाम वरहमतुल्लाह।